नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अमित लक्की धवन रियल हेडलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं श्री कर्णपुर इलाके की एक और बड़ी खबर। श्री कर्णपुर में फेल हुआ स्वच्छ भारत स्वच्छ राजस्थान मिशन। इस खबर से खुलेगी नगर पालिका प्रशासन की एक और बड़ी पोल। बस स्टैंड के सभी दुकानदार परेशान हैं नगर पालिका प्रशासन से। दोस्तों, रियल हेडलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूं श्री कर्णपुर इलाके के बस स्टैंड पर मची हुई गंदगी को लेकर खबर। स्वच्छ भारत स्वच्छ राजस्थान मिशन के अंतर्गत श्री कर्णपुर बस स्टैंड पर सफाई व्यवस्था का ध्यान नगर पालिका प्रशासन द्वारा बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा। सबसे पहले मैं श्री कर्णपुर जनता का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो मेरे द्वारा चलाए गए इस मिशन में धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और अपने वार्ड व अपने इलाके की समस्या के बारे में मुझे अवगत करवा रहे हैं। जैसा कि आप हमारी रिपोर्टिंग वीडियो में देख रहे हैं कि श्री कर्णपुर बस स्टैंड पर कई प्राइवेट बस संचालकों द्वारा बस स्टैंड के अंदर ही बस को धोया जा रहा है, बस की सफाई की जा रही है, जिस कारण बस स्टैंड के अंदर सारा दिन पानी भरा रहता है। वह आने जाने वाले लोगों को तो समस्या होती है, साथ में बस स्टैंड के जो अंदर दुकानदार हैं उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ग्राहक बस स्टैंड के अंदर स्थित दुकानों पर आता है तो उनके गंदे पैरों के कारण इन दुकानदारों को सारा दिन दुकान की सफाई करनी पड़ती है। अब एक आम विक्रेता क्या करे, ग्राहक भी उनके लिए जरूरी हैं, क्योंकि उन्हीं ग्राहकों से उनकी रोजी रोटी चलती है। मैंने अभी रविवार को ही अपनी एक रिपोर्टिंग वीडियो में कहा था कि मेरे द्वारा सिर्फ अभी एक गली की खबर बनाई जा रही है। अगर मैं पूरे कर्णपुर की गंदगी को लेकर चल पड़ा तो पूरी नगर पालिका प्रशासन की पोल खुल जाएगी, और वही हुआ। मुझे बस स्टैंड में किसी एक दुकानदार ने फोन करके सूचित किया कि हम इस गंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप आएं और हमारे बस स्टैंड को लेकर एक रिपोर्टिंग वीडियो बनाएं। क्यों नगर पालिका प्रशासन इन छोटे छोटे मुद्दों को अनदेखा कर रहा है? क्यों नगर पालिका प्रशासन इन प्राइवेट बस चालकों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा? श्री गंगानगर बस स्टैंड के अंदर एक भी प्राइवेट बस खड़ी नहीं होती है तो श्री कर्णपुर बस स्टैंड के अंदर प्राइवेट बसें कैसे खड़ी हो रही हैं? क्यों नहीं काटे जा रहे नगर पालिका प्रशासन द्वारा चालान इन बस चालकों के खिलाफ? जल्द मिलता हूं आपसे एक और सच्ची खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप देखते रहिए सच्ची घटनाओं पर आधारित रियल हेडलाइन न्यूज चैनल, और आगामी न्यूज में हमारे साथ देखें एक और नई सच्ची घटना। हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आपका अपना अमित लक्की धवन, जय हिंद जय भारत।